Two metal spheres of capacitance C1 and C2 carry some charges. They are put in contact and then separated. The final charges Q1 and Q2 on them will satisfy. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले कंडीशन को हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो इनिशियली हमको पता है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो स्फेयर कैपेसिटर है. एक C1 है, दूसरा C2 है. रेडियस एक की A मान ली, दूसरे की B मान ली, और दोनों चार्ज्ड है. तो मैंने इस पर चार्ज मान लिया Q1 और इस पर चार्ज मान लिया मैंने Q2. क्वेश्चन बोल रहा है कि जब इनको कॉन्टैक्ट में रखा जाता है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि इनको हम एक वायर से टच कर देते हैं, मेटेलिक वायर से, तब भी ये कॉन्टैक्ट में ही होंगे. तो या तो दोनों को टच कर दें या दोनों को वायर के साथ कनेक्ट कर दें, बात एक ही है. इस कंडीशन में क्या होगा, दैट आफ्टर कनेक्शन चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन विल टेक प्लेस. ओके, चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना. और कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक दोनों के दोनों स्फीयर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. तो जब पोटेंशियल दोनों का सेम हो जाएगा तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्ज का, तो जो फाइनल चार्ज रहेगा दोनों स्फीयर से वो अलग हो जाएगा. और क्वेश्चन कह रहा है कि वो फाइनल चार्ज है इस पे Q1 और इस पे Q2, ठीक है. तो Q1 और C1, Q2 और C2, इन चारों के बीच में हमको रिलेशनशिप फाइंड करना है. तो क्योंकि हमको पता है कि दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, VC1 इसका ले लिया, VC2 इसका ले लिया, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा दोनों का. तो ये होगा Q1 बाय C1, ये होगा Q2 बाय C2. तो Q1 बाय Q2 इज इक्वल्स टू C1 बाय C2 मेरा आंसर हो जाएगा. दैट इज बी ऑप्शन गोज आउट टू बी दी करेक्ट वन. थैंक यू.